नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमिर आसा और आप देख रहे हैं दो बोल जू। दोस्तों, आज जो हम खबर आपके सामने लेकर के आए हैं वो खबर थोड़ी फिल्मी है, क्योंकि इसमें कोर्ट भी है और वकील भी। वकील है तो फिर जज भी होगा और जज के साथ अब पुलिस भी खड़ी दिखाई दे रही है। ये खबर फिल्मी इसलिए लग रही है क्योंकि कई सारी फिल्मों में देखा गया है और हमारे यहाँ का प्रशासन यानी उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, पुलिस है, वो कई बार फिल्मी अंदाज में काम भी करती है। कभी गाड़ी पलट जाती है तो मुजरिम भागता हुआ पिस्टल छीन लेता है, उसका एनकाउंटर हो जाता है। आपने जॉली एलएलबी देखी होगी, वहां पर किस तरीके से वकील जज के बीच में कहासुनी होती है, गोलियां चल जाती हैं, जज साहब बेंच के नीचे बैठ जाते हैं, डेस्क में छुप जाते हैं और वहां से ऑर्डर करते हैं। आज वही कुछ माहौल रहा गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से जो कोर्ट से तस्वीरें वायरल हुई, जो वीडियोज वायरल हुए, पूरे देश में फैल चुके हैं और लोग इसको देख करके जॉली एलएलबी को भी याद कर रहे हैं। वही अंदाज पूरा बना हुआ है, पुलिस अंदर घुसती है, लाठियां चलती हैं, जजों को कायदे से कूटा जाता है। वो भी अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं, पुलिस के ऊपर अपनी कार्यवाही करते हैं। कार्यवाही क्या होती है कि कुर्सियां तोड़ फोड़ करके फेंकना शुरू कर देते हैं। ये मामला क्या हुआ कि एक जज साहब जो अपनी फैसला दे रहे थे, उनके और वकील के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो गई। वकील साहब कहते हैं कि जज साहब आप डेस्क के जरा नीचे आइए। इस बात पर विवाद बढ़ जाता है और पुलिस को बुलाया जाता है, फिर उसके बाद चलती है लाठी। लाठी चलती तो कुर्सियां भी फेंकी जाती हैं। आप पहले यह वीडियो देख लीजिए, फिर इस मुद्दे के बारे में हम चर्चा करते हैं। करना नीचे किस तरीके से लाठियां चलाई जा रही हैं, पुलिस कोर्ट के अंदर घुसी हुई है, कुर्सियां तोड़ फोड़ की जा रही हैं। मामला यह है कि गाजियाबाद कोर्ट के अधिवक्ता नाहर सिंह यादव एक जमानत अर्जी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कराना चाहते थे। इसे लेकर उनका जिला जज अनिल कुमार से विवाद हो गया, आपस में खूब गाली गलौज हुई। इस वीडियो में अधिवक्ता जिला जज से टाइप से डाइस से नीचे आने को उतारकर आने को कह रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अब बस यही होना था गाजियाबाद में भी। लोकल कोर्ट में जज और वकील भिड़ गए, पुलिस को बुलानी पड़ी और फिर पुलिस ने वकीलों को धर पीटा। इस सरकार को एक ही काम आता है, सबको आपस में लड़ाना जानती है, अभी भी आप लोगों को समझना चाहिए। गाजियाबाद यूपी कोर्ट में वकील में झड़प हो गई और जज ने पुलिस बुलाई, पुलिस ने वकीलों को कोर्ट रूम से बाहर खदेड़ा, कोर्ट रूम के अंदर लाठियां चली, कुर्सी फेंकी गई और केस की सुनवाई के दौरान। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि पुलिस झड़प हो रही है, किस तरीके से पुलिस लाठियां चला रही है, सारी चीजों को देखा। एक तरीके से बहुत लोगों ने इसको मनोरंजन के तौर पर ले लिया, लेकिन इस खबर में एक खबर आपको समझनी होगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विवाद किस बात पे हुआ कि जमानत अर्जी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करना चाहते थे। आप याद करिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का और जजों का वो बयान, जब जज कहते हैं कि जो जमानत है वो दे देनी चाहिए लोअर कोर्ट को, लोअर कोर्ट जमानत नहीं देती है, जिस वजह से बहुत लोगों को जमानत नहीं मिलती, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जमानत हर जगह पर कानून है, अनिवार्य होनी चाहिए, सजा तो कभी कभी अपवाद स्वरूप मिलनी चाहिए, लेकिन इन सारी चीजों को जो अदालत कूटते हैं, जिला न्यायालय है, नकार दे रहे हैं और वहां पर किस तरीके का हस्तक्षेप है। दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं कि उनका पॉलिटिकल प्रेशर कितना ज्यादा है, जज हो या वकीलों, किस तरह से वो पॉलिटिकल प्रेशर में रह रहे हैं और उसी आधार पर कार्य कर रहे हैं, ये कई सारे फैसलों में आपने देखा है। तो इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या पुलिस और वकीलों के बीच इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी? जज को क्या ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए थी? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है इस खबर में समझने लायक, कि जमानत को लेकर, क्योंकि जमानत को आप देखेंगे तो जमानत कैसे नहीं दी जा रही है, जमानत की अर्जी तक नहीं लगाई जा रही है, अर्जी को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, चाहे लोअर कोर्ट हो या चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। आप उमर खालिद को याद कर लीजिए, सरजील इमाम को याद कर लीजिए, किस तरीके से इन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया है। आप अगर एडीआर का डाटा उठा करके देखें तो हजारों ऐसे बच्चे हैं
जो अपनी सजा भुगत रहे हैं, जिसका उन्होंने जुर्म ही नहीं किया, उनको ना जमानत मिलती है, ना उनकी जमानत की पेशी होती है, ना उनके ऊपर कोई केस बनता है, लेकिन उनकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है। अच्छे अच्छे संस्थानों से पढ़े लिखे बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है सरकार ने, अपने राजनीतिक विचारधारा को थोपने के लिए, अपने राजनीतिक वर्चस्व को बनाए रखने के लिए। इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अभी के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।